नमस्ते एवरीवन, स्वागत है कल्पना की स्वादिष्ट रसोई में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं मटर पनीर, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। और बिल्कुल भी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आप सारी सब्जियां जितनी है मैंने सब कट करके रखा हुआ है। प्याज, ये देखिए, मिर्ची, अदरक, लहसुन, स्पेशली ये हम बना रहे हैं रोहित, आशीष और लोलेस और जितने बैचलर्स हैं उन लोगों के लिए बना रहे हैं, जिन्होंने मेरे डिमांड किया कि आप ऐसे बनाइए तो जिसमें हमको ग्राइंड ना करना पड़े और सब्जी भी में भी अच्छा स्वाद आए। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी बिल्कुल अच्छा स्वाद रहता है। देसी स्टाइल है, ढाबे स्टाइल है और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने यहाँ पर ले रखा है ये ऑनियन है, दो कटी हुई मैंने ऑनियन रखी है, अदरक के कुछ पीसेज हैं चॉप करके रखा है, लहसुन है 5-6 लहसुन की कलियाँ उसको चॉप करके रखा हुआ है, मिर्ची है और ये एक आधी कटोरी मटर है, 100 ग्राम पनीर है, 2 टमाटर है, नमक है, हल्दी पाउडर है और गरम मसाला है, पनीर मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, जीरा है और 2 लाल मिर्च है। तो इतने कम इंग्रेडिएंट से आज हम बनाएंगे मटर पनीर, वो भी बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल ढाबे स्टाइल की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ा रखा है, ये देखिए वो पक चुका है। अब इसमें हम अपने पनीर को डाल देते हैं जिससे कि फ्राई हो जाए। तो हमें ऐसे सारे पनीर को हल्का फ्राई कर लें, इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का इसका कच्चापन चला जाए। ये देखिए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। फ्राई करने से क्या होता है, इसकी स्वाद में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनता है और मेरी माँ तो ऐसे ही बनाती हैं। और सभी फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये। और यहाँ पे अब हम डाल देते हैं ये अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज और इसको भून लेते हैं। फ्रेंड्स, पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही खास बनता है, बिल्कुल डिफरेंट स्वाद रहता है, ढाबे स्टाइल का स्वाद रहता है। तो आपका भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे मटर पनीर बनाना, आप सब बनाते ही होंगे पर सबके हाथ का स्वाद अलग रहता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हम प्याज को अच्छे से लाल होने तक भून लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे मसाले भी हम डाल देते हैं, बिल्कुल अलग तरह से बना रहे हैं हम जिससे कि ये भी प्याज के साथ पक जाए। अब ऑलमोस्ट प्याज भी आधी पक चुकी है और इसको अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला पक चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये कटे हुए 2 टमाटर और ये 1.5 टेबल स्पून नमक है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार देख लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जी इतनी झटपट तैयार होती है ना, बिल्कुल 10 मिनट लगता है इसको पकने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट रहती है ये। तो इसको हम टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरा पक जाने देंगे जिससे कि ये इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले पक चुके हैं जो हमने इसमें डाले थे, सब्जी मसाले, हल्दी, नमक, मिर्चा, जीरा, ये सारा मसाला जो भी मैंने डाला था सब पक चुका है और इसकी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये आधी कटोरी मटर और 100 ग्राम पनीर। ये जो सब्जी रहती है ना, बिल्कुल डिफरेंट स्वाद रहता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, और इसमें हम डाल देते हैं आधी ग्लास जरा से पानी। देखिए, बिल्कुल ढाबे स्टाइल की बनी हुई है और बहुत आसान से कोई भी इसको आसानी से बना सकता है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। चलिए इसमें आधी ग्लास पानी डाल देते हैं। यहाँ पे हमने आधी ग्लास पानी ले रखा है, ये इसमें डाल दिया और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। तो चलिए इसको ढक देते हैं 5 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया है, गैस की फ्लेम हमको मीडियम रखनी है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं सब्जी को। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से ये बन चुकी है और पक चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको पानी सुखाना है तो आप सुखा सकते हैं, पर जरा से ग्रेवी रखेंगे तो अच्छी लगेगी। इसमें डाल देते हैं हम ये धनिया और इसको एक कटोरे में निकाल लेते हैं, ये पक चुकी है बहुत अच्छे से, चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मटर पनीर बनके तैयार हो चुकी है।
अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सारी रेसिपीज़ मिल सकें। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ ट्राई।